अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैं आज आपसे शेयर करूँगी अरिका हक इंस्पायर मेकअप लुक, जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड इंतहाई खूबसूरत मेकअप है, बहुत ही नेचुरल ग्लोइंग मेकअप है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपको मेकअप पसंद आएगा। तो चलिए अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स लेके अपने फेस पे लगा लिए हैं। बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। मेरे पास YC प्राइमर है और ये बहुत अच्छी तरह से स्किन के अंदर जज़ब हो जाता है। अब मैं आईब्रो फिलिंग करूँगी। डार्क ब्राउन कलर के साथ मैं आईब्रो फिलिंग कर रही हूँ। बहुत ही नेचुरल हम करेंगे, बहुत ही कम मिकदार में लेके इसको अच्छी तरह से हम फिल करेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरे आईब्रो को भी फिल करेंगे। उसके बाद टूली ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर लूंगी। अब मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ फाउंडेशन। मेरे पास है मिस रोज़ का फाउंडेशन। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। तो इसको मैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अच्छी तरह से अपने फेस पे ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो इसके लिए ब्यूटी ब्लेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर स्किन के अंदर ऐसे जज़ब हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहा है, बहुत ही नेचुरल, बिल्कुल भी ओवर में नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तो उसको मैंने फुल फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया और आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरती के साथ ये ब्लेंड हो गया है। और जो बाकी थोड़ा सा रहेगा वो मैं अपने आइज़ पर लगाऊँगी। अब मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ कम्पैक्ट पाउडर। बहुत ही कम मिकदार में लेके मैं अपने फेस पे कम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी। इससे बेस नेचुरल लगती है और ग्लो करती है, बहुत ही खूबसूरत सी ब्लेंड हो जाती है, बहुत ही अच्छी बेस बन जाती है इससे। अब हम अपना आईज मेकअप स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है डार्क ब्राउन कलर लिया है और ब्लेंडिंग ब्रश के साथ क्रीज एरिया पर मैं इसको बहुत ही कम मिकदार में लेके ब्लेंड करूँगी। अच्छी तरह से इसकी ब्लेंडिंग करेंगे बिल्कुल नेचुरल लगते हुए। क्रीज एरिया पे मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। और जो हम आई शेडो पायलट यूज़ कर रहे हैं, ये रोमांटिक वालों का आई शेडो पायलट है और बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं पीची शेड लेके बहुत ही कम मिकदार में बाकी का जो हिस्सा बच चुका था उसके ऊपर लगाऊंगी। बहुत अच्छी तरह से मैं इसकी ब्लेंडिंग करूंगी। बाद में दोनों कलरों को मिक्स करके ब्लेंडिंग करूंगी। अब मैं बहुत ही कम मिकदार में ग्लिटर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं ब्रो बोन को हाईलाइट करूंगी वाइट हाईलाइट के साथ। अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करके इसको मैं हाईलाइट करूंगी और इसी तरह से मैं अब अपने इनर कॉर्नर को भी वाइट आई शेडो के साथ हाईलाइट करूंगी। इससे आईज खुली खुली सी लगती हैं और मेकअप बहुत खूबसूरत लगता है। अब मैं लाइनर अप्लाई करूंगी। मेरे पास है लाइनर मिस रोज़ का। यह बहुत ही अच्छा लाइनर है, मार्कर लाइनर है और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। कोई विन वगैरह क्रिएट नहीं करूंगी, बिल्कुल ब्रीफ नेचुरल सा रख के इसको लगाएंगे हम। बहुत ही ब्रीक में इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरती के साथ मेकअप हो रहा है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब मैं लगा रही हूँ
लोअर लैश के नीचे वही सेम कलर गोल्डन जो मैंने क्रीज एरिया पे लगाया था, बहुत ही कम मिकदार में लेके अपनी लोअर लैश के नीचे लगा रही हूँ। अब मैं कट का इफेक्ट देने के लिए ब्रश के साथ मैंने थोड़ा सा मेकअप रिमूवर लगाया है और इसके साथ आईब्रो को मैं मेकअप को रिमूव कर दूंगी। आईब्रो में जो मैंने फिलिंग की थी उसको मैंने रिमूव किया और अब मैं ब्रश के साथ थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के उसके ऊपर लगाऊंगी और उसके बाद अब इसके ऊपर कम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा लगा के इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कट भी किस कदर खूबसूरती के साथ लग गया है जैसे कि रिक्का हक्का होता है। तो अब मैं अपने फेस को लाइट सा कंट्रोल करूँगी। मेरे पास है कंट्रोलिंग क्रिस्टल की और इसको बहुत कम मिकदार में लेके मैंने कंट्रोल किया है और इसी तरह से मैं अपने फेस को भी कंट्रोल करूँगी क्योंकि अरिका हक का फेस थोड़ा राउंड एंड गोल है और मेरा थोड़ा लंबा, इसको मैंने गोल करने के लिए अपने फेस के नीचे कंट्रोल की। उसके बाद मैं ब्लशन लगाऊंगी। ब्लशन है मेरे पास मिस रोज़ के और बहुत ही कम मिकदार में नेचुरल रखते हुए उनको लगाएंगे। उसके बाद मैं अपने फेस पे हल्का सा हाईलाइट लगाऊंगी, इससे स्किन ग्लो करेगी। बहुत ही कम मिकदार में लेके मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ हाईलाइट, इससे फुल मेकअप लुक चेंज हो जाती है। और अब इनको मैं अच्छी तरह से ब्रश के साथ सेट कर लूँगी। इसी तरह मैं अपने नोज़ पे भी थोड़ा सा हाईलाइट लगाऊंगी और अपने नोज़ को मैं कंट्रोलिंग करूँगी वही क्रिस्टन की कंट्रोलिंग के साथ। और अब इसी तरह अपर लिप के ऊपर भी मैंने बहुत कम सा लेके हाईलाइट लगाया है। अब मैं पीची लिपस्टिक लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मेकअप हो रहा है। बहुत आसानी से आप घर में ये खुद कर सकती हैं ग्लोइंग मेकअप, बहुत ही खूबसूरत। उम्मीद करूंगी कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।